छंद का अर्थ है स्वरूप। छंद संस्कृत भाषा का शब्द है। छंद शब्द की उत्पत्ति चद धातु से हुई है। चद यानी प्रकाशित होना, छादन करना। छंद का आशय आच्छादन कर प्रकाशित करना। छंद काव्य में विचारों को आच्छादित किए रहता है एवं उनको अर्थ गौरव प्रदान कर प्रकट या प्रकाशित करता है। छंद का अर्थ देखिए। छंद विचारों को कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की युक्ति है। छंद काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण अवयव है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके पुरुष सूक्त के 9वें अध्याय में छंद की उत्पत्ति ईश्वर से बताई गई है। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भाषा में है। लौकिक संस्कृत के प्रथम कवि या आदि कवि हैं वाल्मीकि। क्रौंच वध की घटना से द्रवित होकर आदि कवि के कंठों से अनुष्टुप छंद फूट पड़ा। प्रथम काव्य पंक्ति है मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतिः समः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। प्रथम छंद अनुष्टुप छंद। छंद शास्त्र के प्रवर्तक महर्षि पिंगल। छंद शास्त्र वास्तव में छंद निर्माण नियम व अनुप्रयोग के विषय में लिखा गया है। विद्वानों में क्यों दंती है कि महर्षि पिंगल ने 1 करोड़ से भी अधिक संख्या में छंदों का विस्तार किया था। छंद शास्त्र का अन्य नाम पिंगल शास्त्र। छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ छंद शास्त्र या पिंगल शास्त्र। रीतिकाल तक अधिकतर रचनाएं छंदोबद्ध ही रही हैं, परंतु आधुनिक काल में नियम शिथिल होने लगे और मुक्त छंद का व्यवहार अधिक होने लगा है। छंद की परिभाषा। हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति गति इत्यादि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। पद्य कहते हैं छंदोमयी रचना को और गद्य कहते हैं छंद विहीन रचना को। प्रत्येक छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है। इसके प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। छंद के संघटक तत्व। वर्ण। वर्ण के 2 रूप हैं स्वर व्यंजन। छंद का दूसरा तत्व है मात्रा। मात्राएं 2 होती है ह्रस्व और दीर्घ, या इन्हें गुरु लघु भी कहते हैं। तीसरा संघटक तत्व है गति, फिर यति, फिर चरण और तुक। तुक में 2 तरह की तुक होती है, एक तो तुकांत और अतुकांत। वर्ण। एक पूर्ण ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाली समयावधि को मात्रा कहते हैं। मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, लघु व गुरु या ह्रस्व व दीर्घ। लघु मात्रा, व्याकरण में इसे ह्रस्व कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व मात्राएं कहते हैं। इनकी गणना एक मात्रा के रूप में होती है। इसे स्पष्ट करने के लिए लघु वर्ण के ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब देखिए उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। जैसे कमल शब्द है तो कमल के ऊपर क की एक मात्रा, म की एक मात्रा और ल की एक मात्रा, जिसे कि पूर्ण विराम चिन्ह से यहाँ दर्शाया गया है। इसी तरह हरी शब्द में 1-1 मात्रा होगी। इसी तरह बटुक शब्द है, इसकी भी 1-1-1 3 मात्राएं होंगी।
हिंदी में निम्नलिखित लघु मात्राएं हैं, तो ये चार मात्राएं हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री की मात्रा भी और री भी। अब देखिए गुरु मात्रा। गुरु मात्रा का अन्य नाम है दीर्घ मात्रा। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ मात्राएं कहते हैं। इनकी गणना दो मात्राओं में होती है। गुरु मात्रा की गणना के लिए एस नुमा चिन्ह प्रयुक्त होता है। हिंदी में निम्नलिखित गुरु मात्राएं हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अं, अह। अब देखिए इसके उदाहरण। जैसे यामा शब्द है, तो यामा में या में गुरु मात्रा और मा पर भी गुरु मात्रा लगेगी। इसी तरह निराला शब्द में, जो कि नी में छोटी की मात्रा इसलिए एक मात्रा, रा पे दो मात्रा यानी गुरु मात्रा और ला पे गुरु मात्रा। महावीर शब्द में मैं पर एक मात्रा, हा पर दो मात्रा, वी पर दो मात्रा और र पर एक मात्रा अर्थात लघु मात्रा लगेगी। चरण। काव्य की पंक्ति चरण कहलाती है। इसका अन्य नाम है पाद। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति उसका एक चरण या पाद कहलाती है। सामान्यतः छंद में चार चरण होते हैं। प्रत्येक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं या वर्णों की संख्या निश्चित रहती है, इसलिए चरण को लिखने की पद्धति सब छंदों में एक सी नहीं है। तुक। छंद के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर व्यंजनों की समानता को तुक कहते हैं। उदाहरण, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। उक्त दोनों चरणों के अंत में आरी शब्द तुकांत है। अब देखिए मात्रा गणना के नियम। हलंत या स्वर रहित व्यंजन की गणना नहीं की जाती। यदि व्यंजन के साथ ह्रस्व स्वर है तो व्यंजन को लघु माना जाता है। यदि व्यंजन के साथ दीर्घ स्वर है तो व्यंजन को गुरु माना जाता है। संयुक्ताक्षर के पहले वर्ण में गुरु मात्रा मानी जाती है, फिर चाहे वह वर्ण लघु हो या गुरु। संयुक्ताक्षर या आधा अक्षर यदि शब्द के शुरू में हो तो उसकी मात्रा की गणना नहीं की जाती है। अब इनका उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देखिए। जैसे शब्द है स्वर, तो स्वर में स आधा है यानी शब्द के शुरू में है, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, व और र की एक एक मात्रा हो जाएगी। इसी तरह से प्रमोद, तो प्र चूंकि आधा प है लेकिन इस यह शब्द के प्रारंभ में है, इसलिए प्र की एक ही मात्रा होगी। मो की दो मात्रा, गुरु मात्रा और द की एक मात्रा। इसी तरह से अगला शब्द है अवलंबन, अ की एक मात्रा, व की एक मात्रा और ल के बाद चूंकि आधा मैं आया है, तो आधे अक्षर से पहले यदि कोई वर्ण हो तो उसकी मात्रा गुरु मानी जाती है, इसलिए यहाँ ल की गुरु मात्रा मानी जाएगी और आधे मै की कोई मात्रा नहीं होगी, ब की एक मात्रा और न की एक मात्रा। चंद्र बिंदु से लघु गुरु का निर्धारण नहीं होता। चंद्र बिंदु यदि लघु स्वर युक्त व्यंजन पर लगा है तो उसकी मात्रा लघु मानी जाएगी। चंद्र बिंदु यदि गुरु स्वर युक्त व्यंजन पर लगा है तो उसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी। अनुस्वार किसी भी वर्ण पर लगे उसकी मात्रा गुरु मानी जाएगी। अब देखिए उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। जैसे शब्द है नंदन, तो नंदन में न के ऊपर अनुस्वार लगा है, इसलिए इसकी दो मात्रा यानी गुरु मात्रा और द की एक, न की एक। इसी तरह हंस, ये हंस पक्षी है, तो है के ऊपर अनुस्वार लगा है, इसलिए इसकी दो मात्रा और स एक मात्रा। फिर है हंसना, तो हंसना में है पर चंद्र बिंदु लगा है,
तो चूंकि है में अन्य कोई मात्रा नहीं है, लघु मात्रा है, इसलिए हंसना में है की एक मात्रा, स की भी एक मात्रा और ना की दो मात्रा। फिर अगला शब्द है माँ, तो चंद्रबिंदु की मात्रा का कोई तात्पर्य नहीं है, मैं में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह गुरु हो जाएगा, अर्थात माँ शब्द में दो मात्राएं मानी जाएगी। अब देखिए छंद के प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार के छंद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की गणना और नियमों का ध्यान रखा जाता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों यानी मात्रा सहित अक्षर की गिनती होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखिए गण और उनके भेद, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है, गण आठ होते हैं। गण गणना का सूत्र है यमाता राज भानस लगा, इन्हें दशाक्षर भी कहते हैं। इस सूत्र के प्रारंभिक तीन तीन वर्णों का समूह बनाने पर गण निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए एक दो उदाहरण, जैसे प्रथम तीन शब्दों से बना यमाता, तो यमाता में य की एक मात्रा, मा की दो मात्रा और ता की दो मात्रा। इसी तरह से गण का नाम यमाता, तो य से नाम हो गया यगण। और इसके लक्षण, तो देखिए दोनों पीछे की तरफ इसके गुरु मात्राएं हैं और प्रारंभ में लघु मात्रा है, तो इसका लक्षण हो जाएगा आदि लघु। यगण का उदाहरण पुराना। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जगण, तो जगण का शब्द होगा जभान, तो इसकी मात्राएं एक लघु, दो गुरु, तीन लघु। तो इसमें मध्य में गुरु है, तो इसके लक्षण हो गया मध्य गुरु और इसका उदाहरण हो गया पहाड़ शब्द। तो इस तरह से आप ये सारी मात्राएं समझ सकते हैं। उक्त गण सूत्र के अंत में दो वर्ण ल और गा शेष रहते हैं, इनको गणों के अंतर्गत नहीं गिना जाता और जगण और सगण अशुभ माने जाते हैं। अब देखिए छंदों का वर्गीकरण, तो पहले देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में भी तीन इसके भेद हैं, सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषममात्रिक छंद। तो प्रमुख सममात्रिक छंद हैं चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। सममात्रिक छंद, इसके चारों चरणों में मात्राओं की गणना समान होती है। अर्धसममात्रिक छंद है दोहा, उल्लाला। इस छंद के पहले और तीसरे एवं दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं समान होती है। फिर है विषममात्रिक छंद, इसमें मुख्यतः दो उदाहरण दिए जा सकते हैं, छप्पय और कुंडलिया। इसमें छह या आठ चरण होते हैं। अब देखिए प्रमुख मात्रिक छंदों के विषय में, तो सबसे पहले बात करते हैं चौपाई छंद की। यह सममात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और चौपाई के चरणांत में जगण या तगण का निषेध है और चौपाई के चरणांत में गुरु लघु नहीं आता, प्रायः दो गुरु आते हैं। चौपाई की पहली, दूसरी तथा तीसरी, चौथी चौपाई में तुक मिलती है, अर्थात इसमें क्रम से तुक मिलती है और अर्धाली चौपाई के दो चरणों को अर्धाली कहते हैं। अब देखिए चौपाई का एक उदाहरण, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। तो इसकी मात्राएं दी गई है, तो आप इनसे सीख सकते हैं। एक और उदाहरण, सुनी जननी सो सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी। चौपाई का एक और उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। अब देखिए अगला मात्रिक छंद है दोहा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें कुल 24 मात्राएं होती है, इसमें चार चरण होते हैं। दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्रा,
द्वितीय चरण में 11 मात्रा, तृतीय चरण में 13 मात्रा और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। दोहे के चरणांत में लघु होना अनिवार्य है। इसके सम चरणों में तुक मिलती है, अर्थात दूसरे चौथे चरण में, और इसके चरणांत में लघु आना अनिवार्य है। अब देखिए उदाहरण से, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव सुर भू। तो इसमें इसका मात्रा विधान ऊपर दे रखा है, तो आप इसे सीख सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण देखिए दोहे का, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अन्य उदाहरण, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनि हरहु विषम भव भीर। अन्य उदाहरण, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटाई नहीं को सूल। अब देखिए सौरठा छंद, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। सौरठा के प्रथम चरण में 11 मात्रा, द्वितीय चरण में 13 मात्रा, इसी तरह तृतीय चरण में 11 मात्रा और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती है। यह दोहे का विपरीत होता है। दोहे के प्रथम चरण में 13 मात्रा होती है, जबकि इसमें 11। दोहे के द्वितीय चरण में 11 मात्रा होती है, जबकि इसमें 13। अतः यह दोहे का विपरीत है। सौरठा के विषम चरणों में तुक मिलती है, अर्थात पहले तीसरे में, और इसके चरणांत में लघु आना अनिवार्य है। इसके सम चरणों अर्थात दूसरे चौथे के प्रारंभ में जगण नहीं आना चाहिए। अब देखिए उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण सौरठे का, सुनि के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चिटे जान की लखन तन। तो आप इसका मात्रा विधान समझ सकते हैं। फिर अगला उदाहरण देखिए, जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। तो आप देखिए इसके पहले और तीसरे चरण में तुक मिल रहा है, अनुकूल और मूल। फिर अगला उदाहरण सौरठे का, चार चरण धर ध्यान 11-13 मेल है, उल्टा दोहा जान यही सौरठा खेल है। तो आप देखिए इसके प्रथम और तृतीय चरण में तुक है, ध्यान और जान। अब अगला है मात्रिक छंद रोला छंद, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण में 11 मात्रा, द्वितीय चरण में 13 मात्रा, इसके तृतीय चरण में 11 मात्रा और चतुर्थ चरण में 13 मात्रा। इसमें सम चरणों अर्थात दूसरे चौथे में तुक मिलती है। तो यह कुछ कुछ सौरठा के समान है, परंतु इसमें भेद केवल यही है कि इसके सम चरणों में तुक मिलती है, जबकि सौरठा में विषम चरणों में तुक मिलती है। अब देखिए रोला का उदाहरण, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्ना कर है। अन्य उदाहरण, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।